नमस्कार, मैं वर्षा रानी। आप देख रहे हैं पीके न्यूज सोशल मीडिया बसो कल्याण। बसो कल्याण के नए एमएलए बी नारायण राव बसो कल्याण के नए एमएलए बनने के बाद आज उन्होंने बसो कल्याण के स्लम एरिया का दौरा किया। एमएलए ने बिना किसी सिक्योरिटी के बसो कल्याण स्लम एरिया का दौरा किया। बसो कल्याण के स्लम एरिया जैसे कि फडर गली, जोशी गली, कैकाड़ी गली, पारदी गली और बहुत से स्लम एरिया का दौरा किया। हमारे साथ मौजूद हैं बसो कल्याण के नए एमएलए बी नारायण साहब। आइए उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनका बसो कल्याण से बेंगलुरु का सफ़र किस तरह से रहा। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप बसो कल्याण के एमएलए बन चुके हैं नए, और आपने कई बार बसो कल्याण के लोगों से उम्मीद की, ख्वाहिश की थी कि आपको असम्बली भेजेंगे। ख्वाब था, वो पूरा कम्प्लीट हो गया। अभी आप किस तरह से देखते हैं सर? हमारे ख्वाहिश तो थी, मगर ख्वाहिश पूरा करने की ताकत आवाम में थी। आवाम ने मेरे को 30 साल के बाद सबको मौका दिया। इस बार मेरे को असम्बली को भेजने का पूरे आवाम तय कर चुका और मुझे कामयाब बना के जिता के असम्बली भेजे हैं साहब। और आवाम की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई, अब मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है। और बीदर ज़िले में, बीदर सिटी के बाद सबसे बड़ा सिटी बोले तो बसो कल्याण है, सीएमसी है साहब। यहाँ बहुत सारे मसाइल्स हैं, अंडरग्राउंड ड्रेनेज का है, पीने का पानी का है, रोड का है, गली गली में और सारे बहुत सारे काम है। और सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट बिजनेस लारी हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा बसो कल्याण में है। यहाँ रिंग रोड नहीं है, रिंग रोड करना। और आपको मालूम है बसो कल्याण में ये एक्सीडेंट झून ज़्यादा है नेशनल हाईवे पे। यहाँ कईयों माँ बहनों को हाथ को काम नहीं है, कईयों लड़कियों को काम नहीं है। यहाँ टेक्सटाइल पार्क की ज़रूरत है, गारमेंट्री का सेंटर अगर इधर बना है 10-20 हज़ार लड़कियाँ काम कर सकते हैं, जैसा बेल्लारी में है, जैसा बेंगलुरु में है, जैसा मंगलुरु में बीडी वर्कर का काम करते औरत लोग, यहाँ भी उनके लिए भी हम काम करना बोल के सोच रहे साहब। और महात्मा गांधी शुगर फैक्ट्री भालकी में है, नारंजा बीदर में है, हालीकेट शुगर फैक्ट्री, किसान शुगर फैक्ट्री हुमनाथ में है, मगर यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है, मगर यहाँ शुगर फैक्ट्री नहीं है। यहाँ शुगर किसान परेशान है, किसान परेशान बोलते पूरा सोसाइटी परेशान रहता है साहब। किसान के ऊपर पूरे गांव डिपेंड रहता है, पूरे काम करने वाले कृषि कार्मिक लोग उसी पर डिपेंड रहते हैं, इसलिए यहाँ शुगर फैक्ट्री का भी बहुत ज़रूरत है। उसके लिए मेरी जितनी कोशिश है मैं करूँगा। और सबसे बड़ी बात, सब लोग बड़े बातें करें, एक भी काम नहीं करें। मैं बड़ा बात करने के लिए मेरे को आप लोग मजबूर नहीं करना, मैं काम करूँगा, बातें नहीं करूँगा। और बातें जब करना, विरोध अपोजिशन में रह जब बात करना, हुकूमत में आने के बाद कलम चला के काम करना। अब काम चलाते वक्त मेरा इंटरव्यू ले रहे, मैं मजबूरी से आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ साहब, क्योंकि मेरे को सिद्धरामैया साहब बोले तो बात जितना कम करेंगे ज़िंदगी में उतना सक्सेस हो जाएगा। अब मैं जो भी स्पीच करूँगा बसो कल्याण विधानसभा के लिए, जो ज़रूरत है भाषण करूँगा, चिल्लाऊँगा, धरना करूँगा, क्या भी करूँगा, वो असेंबली में करता हूँ साहब, बाहर नहीं करता। मैं ग्रेजुएट आदमी, मेरे को पूरा सारे चीज़ मालूम है। 40 साल में जिला पंचायत में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी चेयरमैन होकर काम किया हूँ, कर्नाटका लिटरेसी मिशन अथॉरिटी का चेयरमैन होकर काम किया हूँ, यूनिवर्सिटी में काम किया हूँ कई जगह जगह में, और एक संस्था का फाउंडर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का फाउंडर हूँ। आज 300-400 लोग उस संस्था में काम करते, तो इसलिए हम हवा में नहीं आए साहब, मेहनत करके यहाँ तक आए। इसलिए मैं यहाँ के जितने भी बेघर हैं उनको घर मिलना, जितने लोगों को पेंशन नहीं मिला, ओल्ड एज पेंशन है, हैंडीकैप पेंशन है, विडो पेंशन है, वो सारे एक महीने के अंदर उसका मैं ये करूँगा। जिनको मिला है, जो उनको पेंशन बैंक से बैंक को जमा नहीं हो रहा, वो वैसे काम करूँगा। आप समझेंगे ये कोई छोटा मोटा काम समझते हैं साहब,
मगर वो ओल्ड एज के लोगों को 500-1000 का नोट आए तो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीते थे वो लोग, बहू को नहीं पूछते, बेटे को खर्चा ज़्यादा रहता, वो 1000 रुपये उनके लिए बहुत बड़ा रहता साहब, 500 रुपये उनके लिए बहुत बड़ा रहता, बेटी के पास जा सकता, सगियों के पास जा सकता, रिश्तेदारों के पास जा सकता, वो पैसे रहे तो। इसलिए मैं पहला काम ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, जितने पेंशन हैं वो तालुके में किसी को उसका बेनिफिट से वंचित होने नहीं देता सर। और बाकी काम अभी शुरुआत है और जल्दबाज करने से एक्सीडेंट हो जाता सर। धीरे धीरे मैं सारे चीज़ समझ कर अच्छा कदम रखूँगा। और सबसे बड़ी बात, इस शहर में बिजनेस के लोग ज़्यादा है साहब, मेरे तरफ से बिजनेस करने वाले को किसी नमूने का तकलीफ नहीं दूंगा साहब, उनका कारोबार भला उन्होंने भला साहब, उधर हम जाते नहीं साहब। और यहाँ की हालत ऐसी है, पेशेंट हमारे हैं हॉस्पिटल उमरगा सोलापुर जाते हैं साहब, उसके तरफ मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा साहब, हमारा पेशेंट हमारे पास रहना, बच्चे हमारे हैं वो SBR मंगलोर जा रहे हैं साहब पढ़ने के लिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन को मैं मदद करूँगा साहब, बच्चे हमारे यहाँ पढ़ना, अनाज हमारी है साहब शाहबजानी औरत और लातूर को माल जाता साहब, वो मैं APMC मार्केट को मजबूत करके हमारा माल हमारे पास बिक्री होना, हमारा किसान यहाँ तो उसको 10-15 रुपया ज़्यादा मिलना, ऐसा ये सारे चीज़ पर मेरा ध्यान है साहब। मैं नया आदमी नहीं है, मैं MLA नया हूँ, मगर तजुर्बा मेरे को 40 साल से पब्लिक में रहकर मैं काम किया हूँ, सारे मालूम जितने भी हैं मैं करूंगा, और जो मालूम नहीं है आप जैसे दोस्तों को, बाकी मेरे साथ जितने बुजुर्ग लोग हैं तजुर्बेकार हो गए, उनका राय लेके मैं काम करूंगा। और सबसे बड़ी बात बोले तो मैं डेमोक्रेट होके काम करूंगा सर, मैं करूंगा समाज में जो बुजुर्ग लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, एजुकेशनिस्ट लोग हैं, व्यापारी लोग हैं और पॉलिटिकली एक्सपीरियंस रहे जो लोग हैं, उनका राय लेके हर महीने 2 महीने उनका बैठक करूँगा, उनसे राय लूँगा, मीडिया के लोगों से, पुराने रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स जो लोग थे उनसे, ऐसे सबका, लोगों का, किसानों का जो समस्या है, वो जिस समस्या में लोग रहते हैं उनसे हम राय लेके आगे कदम बढ़ाऊंगा सर। सर आप वो मिनिस्ट्री के लिए ट्राई किए थे कहाँ तक? सर नहीं नहीं नहीं, मैं मिनिस्ट्री के लिए ट्राई नहीं करा साहब, मैं मिनिस्ट्री के, मैं नया नया आदमी चुन के आया, मेरे को तबाह मत करो साहब, फिर दूसरे लोग मेरे दुश्मना बढ़ाने के काम मत करो साहब। मैं हमारे जिले को एक मंत्री देव बोल के हम बोले हैं साहब, जिले में किसको भी, अब ईश्वर खंडे साहब है, राजशेखर पाटिल साहब है, रहीम खान साहब है, वो 3-3 बार चुन के है साहब, पहले उनका नंबर, बड़ी बहन का शादी होने के बाद छोटी बहन का शादी होते हैं साहब, फिर मैं छोटी बहन होकर मेरा पहला करो बोले तो पूरे बहना मेरे खिलाफ़ हो जाते हैं साहब, तो मैं उसका पूरा उसका मेरी औकात का जायजा मैं लिया हूँ साहब। मैं पहली बार चुन के आए, पहले मैं बसो कल्याण के लोग जो उम्मीद रखकर, जो मेरे बड़े उम्मीद रखकर ख़ास तौर पर जो ये मुझे मौका दिए, मेरा ज़िंदगी का ये लास्ट चुनाव था, अरे ये बेचारा, इसको एक बार सबको भेजे, मुड़े साहब को भेजे, अट्टू साहब को भेजे, खोबा साहब को भेजे, इस बार इसको भी एक भेजना बोल के बड़ा दिल करके सब लोग मिलकर मुझे भेजें साहब, सभी लोगों को गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखना, मेरा सबसे ज़्यादा तवज्जो एजुकेशन फील्ड पर रहेंगे साहब। मैं क्यों बोलूँ तो एजुकेशन फील्ड से आए सो है, बिजनेस का तो करते ज करते साहब, मगर उनके बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन, यहाँ माइनॉरिटी मोरारजी देसाई, माइनॉरिटी बच्चों के लिए एक मोरारजी देसाई रेजिडेंशियल स्कूल नहीं है साहब, वो करना है, कईयों लोगों को शादी मंडप नहीं है, हुलसुर में होना, प्रतापपुर में होना, पठाले में, ऐसे कहाँ कहाँ होना है, वो सारे चीज़ें करते साहब। और धीरे धीरे क्यों नहीं होता, मैं काम करूँगा, पीछे नहीं हटूंगा साहब। और सब हमारे संगठन के लोगों के, कांग्रेस पार्टी के संगठन के तरफ से जो राय मशुरा वो लोग देते हैं उस हिसाब से भी मैं काम करूंगा, और समाज में जो बड़े लोग हैं जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं उनका भी राय लूंगा साहब। और एक काम डेवलपमेंट का कम हुए तो परवाह नहीं, मगर अमन और शांति से ये माहौल भाईचारा बिगड़ने में नहीं देता साहब, किसी की मत पर बिगड़ने नहीं देता साहब, ये मेरी है। सर ये इलेक्शन के दौरान कुछ लोग बता रहे थे कि अगर आप जीतते हैं तो वो गांव छोड़ के जाना चाहते हैं, अगर आप इलेक्शन जीतते हैं तो गांव छोड़ के जाना चाहते हैं, तो वह उस लोग उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं साहब, हमारे उनको क्या होता साहब, उस पर इधर सुनो साहब, उनको गलत फहमी हुआ साहब, मैं वो सारे भाइयों को दावत देता हूँ साहब, गाँव छोड़ के मत जाओ, इस अमन और खुशहाली और
जो शांति से जो शहर बसा हुआ है, ये बसवेश्वर का जगह कौन छोड़ के जाते साहब? शेर सवार हजरत शेर सवार के जगह कौन छोड़ के जाते हैं? सदानंद मठ की ये कौन छोड़ के जाते साहब? यहाँ जो दुनिया में जो रेवोल्यूशन नहीं हुआ वो बसवेश्वर के सरजमीन पर हुआ है। बाहर के लोग अकमादी यहाँ आकर रहना चाहते हैं, चित्रदुर्गा के स्वामी यहाँ रहना चाहते हैं, सोलापुर के जयदेवी तालगाड़े यहाँ पर उन्होंने आखिरी सांस लेना चाहते हैं साहब। यहाँ के भाइयों को अगर मेरे बारे में ईगोइज़म रहे तो वो बाजू रखो साहब, मगर इस सिटी के बारे में ईगोइज़म नहीं रख लेना साहब। उनको अगर पसंद आता है तो मैं छोड़ के जाओ बोल के बोलो तो भी मैं रेडी है, मगर वो लोगों को छोड़ के मत जाओ बोलो साहब। मैं अपील करता हूँ मीटिंग के चलते। सर आप बसों कल्याण आने के बाद सबसे पहले आपको क्या काम रहेगा? क्या सर? बसों कल्याण में अभी आप आ गए तो आप सबसे पहला काम क्या किया? मैं शपथ ले असेंबली में शपथ लेने के बाद जो पहला आया तो मैं सबसे गरीब तबका जो लोग रहते हैं, जो कैकाड़ी गली के, हड़वा गली के, वड्डर गली के, मोची गली के और हमारे जोशी गली के और सुड़गाड़ सिद्ध लोग उधर बंजारा कॉलोनी, इधर दूसरे छोटे 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 तबके के जो लोग थे, पारदी है, मांगारूढ़ी है, ऐसे गरीब तबके के लोगों के पास मैं जाके मैं खुद गया, किसी को इंटीमेशन नहीं दिया, मैं उनसे मिलके पूरा एरिया कॉलोनी सब फिर के वहाँ का हालात वगैरह ले जायजा लेके, क्योंकि हमारी हुकूमत सोसाइटी के आखिरी आदमी कौन है जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ मैं आज विजिट करके आया सर। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बीके न्यूज़ सोशल मीडिया बसों कल्याण देखने के लिए आपका